हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें आज हमारा 25वां दिन है। जीके क्लास हमारी को है, देखिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था हैज और हैव पर। क्या पढ़ा था? हैज और हैव पर। तो देखिए, हैज में क्या आता है, हैज किसी लिए लगा देते और हैव किसी लिए लगा देते। देखिए, हम हैज लगा देते सिंगुलर के लिए, और हैव लगा देते प्लुरल के लिए। ठीक है, मतलब सिंगुलर लगा देते एक वचन के लिए और हैव लगा देते बहुवचन के लिए। ठीक है, देखिए हमारे एक वचन क्या होते हैं, ही, सी, इट और किसी का नाम, यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एक वचन के। ठीक है, मतलब इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको बेसिक से समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर करना है आपको, यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारा आई, वी, यू और हमारा हो गया दे, यहाँ से भी क्या होते हैं, हमारे बहुवचन होते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे एक वचन, यहाँ हमारे सभी बहुवचन। देखिए कल की वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, हैव पर। देखिए हमने हैव पर जितने भी हमारे सब्जेक्ट थे सभी को क्लियर कर लिया था, आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं हम हैज पर। हैज मतलब देखिए, इसमें एक हैज मतलब एक वचन के अंतर्गत आता है, सिंगुलर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें हमारे ही, सी, इट और किसी का नाम, इन सभी पर हम इन्हें फॉर्मेट की वजह से समझेंगे और उन्हें अपनी डेली लाइफ में इस प्रोग्रेस में यूज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मैंने आपको यह तीन फॉर्मेट इस क्लास के दिए थे हैव वाली के, इस तीन फॉर्मेट ही मैं आपको हैज पर दूंगा। देखिए यहाँ पर हैज पर हमारा एक, दो, तीन, हैज तीन फॉर्मेट है। ठीक है, तो सभी आप वीडियो को एंड तक देखिए, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है जो आपके समझ में आ जाएगी और आप इस पूरी क्लास को और पिछली क्लास को भी क्लियर कर दोगे। ठीक है, देखिए ही हैज एक्शन थर्ड, देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि हमारा क्या है, वर्तमान में कोई कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारा कोई कार्य वर्तमान में समाप्त हो चुका है, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, पक्षी उड़ चुके हैं, आप वीडियो देख चुके हैं, इस प्रकार से बहुत सारे जो हमने जो काम कर लिए हैं प्रेजेंट में। ठीक है, हम उनको सभी क्या क्लास है हमारी प्रेजेंट के समाप्त, मतलब हमारे जो कार्य प्रेजेंट में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब ही हैज एक्शन थर्ड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं कोई काम कर, सॉरी यहाँ पर मैं नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा ही, क्योंकि ही मतलब होता है मैं है लिखेंगे यहाँ पर, मैं कोई काम कर चुका है, वह कोई काम कर चुका है। ठीक है, उसके बाद वह कोई काम नहीं, देखो नहीं गया क्योंकि यहाँ पर निगेटिव की बात है, नोट की बात हो रही है। ठीक है, वह कोई काम नहीं कर चुका है। ठीक है, तीनों फॉर्मेट को सीखेंगे आज बहुत अच्छे तरीके से, आपको इन पर इन तीन फॉर्मेट से आप कम से कम 1000-2000 सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो हमने कार्य समाप्त कर लिए हैं उन पर आप सेंटेंस बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हैज ही एक्शन थर्ड मतलब क्या है, मैंने इसमें क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्या वह कोई काम कर चुका है, वह कोई काम कर चुका है, देखिए क्या वह कोई काम कर चुका है। देखिए यहाँ पर हमारा जो ही, यहाँ पर हमारे ही आए हैं, हम यहाँ पर सी भी ले सकते हैं, इट भी ले सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारा सब्जेक्ट है जो बदलता रहता है। ठीक है, मतलब अगर हमें बात करनी है हमारे बारे में, जैसे मैं बताता हूँ, हम कोई काम कर चुके हैं। ठीक है, हम कोई काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए वी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम मतलब हम कोई काम कर चुके हैं। अगर मैं बोल, ठीक है इस प्रकार से ही, अगर मैं बोल लें, देखें यहाँ पर ले लूँ मैं किसी का नाम, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर किसी सचिन, सचिन क्या है, देखिए सिंगुलर है, मैं सचिन ले लें यहाँ पर, सचिन हैज एक्शन थर्ड मतलब मैं है, सचिन कोई काम कर चुका है। ठीक है, इस प्रकार से मैं बोल दूँ यहाँ पर राहुल, राहुल हैज नॉट एक्शन थर्ड मतलब राहुल कोई काम नहीं कर चुका है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मतलब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है जो भी ये बदलते रहते हैं और हमारा एक्शन तो बदलता ही है। ठीक है, एक्शन तो हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे जो हमारे दिन के एक्शन होते हैं, मतलब कार्य करते हैं हम, तो कार्य के अनुसार बदलते रहते हैं मतलब। ठीक है, तो देखिए एक्शन कैसे बदलेंगे, देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखें यहाँ पर, उसका आपको यस या नो में रिप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको यस में करेंगे तो इस वाले फॉर्मेट पर बोलेंगे, अगर नो में करेंगे तो इस वाले फॉर्मेट पर बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी से क्वेश्चन करेंगे तो इस वाले फॉर्मेट पर करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैं देखिए मैं क्या करना है, देखिए बच्चों की तरह उंगली धर धर कर बनाना है। देखिए जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हैज ही ऑपरेटेड मोबाइल, मतलब मैंने पूछा क्या वह मोबाइल चला चुका है, क्या वह मोबाइल चला, ऑपरेट माने होता है चलाना। देखिए ऑपरेट माने क्या होता है,
चलाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म बताई मैंने, देखिए एक्शन थर्ड मतलब एक्शन मतलब यहाँ पर क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ऑपरेट क्या होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, और सी ऑपरेटेड क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ऑपरेट की, ठीक है। तो ऑपरेटेड मोबाइल, तो हमारा एक्शन क्या हुआ देखिए, हैज ही ऑपरेटेड मोबाइल मतलब क्या वह मोबाइल चला चुका है, ठीक है। मतलब को यह मैंने बताया मैंने क्या वह मोबाइल चला चुका है, मतलब देखिए वर्तमान में कार्य समाप्त हो चुका है, ठीक है। अभी अभी देखिए इसको देखिए मैंने बोला हैज ही ऑपरेटेड मोबाइल, तो मुझे इसकी रिप्लाई करना है अगर वह मोबाइल चला चुका है, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे जैसे कि हम बोलेंगे ही हैज ऑपरेटेड मोबाइल, मैंने क्या बोला देखिए ही हैज, एक्शन क्या हुआ ऑपरेटेड मोबाइल मतलब मोबाइल चलाने का, ठीक है। देखिए मैंने मतलब मैंने बोला वह मोबाइल चला चुका है, देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हैज ही ऑपरेटेड मोबाइल मतलब क्या वह मोबाइल चला चुका है, ठीक है। तो आपने इसका रिप्लाई किया ही हैज ऑपरेटेड मोबाइल मतलब वह मोबाइल चला चुका है, अगर नहीं चला चुका है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ही हैज नॉट, एक्शन थर्ड देखिए एक्शन मतलब एक्शन क्या हुआ देखिए ही हैज ऑपरेटेड, ही हैज नॉट ऑपरेटेड मोबाइल मतलब वह मोबाइल नहीं चला चुका है इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन और पूछा हैज सी स्विम्ड, देखिए स्विम माने होता है तैरना, ठीक है। तो यहाँ पर स्विम्ड क्या है थर्ड फॉर्म है हमारी, ठीक है स्विम की, ठीक है। देखिए मैंने बोला हैज ही स्विम्ड मतलब क्या वह तैर चुकी है, ठीक है क्या वह तैर चुकी है। देखिए यहाँ पर हैज मैंने ही की जगह क्या लिखा था बार सी लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था ना कि हम कुछ इनमें से कुछ भी ले सकते हैं हमारे, ठीक है किसी का नाम भी ले सकते हैं, इट भी ले सकते हैं, ठीक है। जो सिंगुलर होना चाहिए मतलब सिंगुलर होना चाहिए बस सिंगुलर, ठीक है सिंगुलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन के अंदर आते हैं मतलब जो एक व्यक्ति के बारे में बात हो वहाँ पर एक पर्सन के बारे में बात होनी चाहिए, वैसे भी सिंगुलर के बारे में उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला हैज ही स्विम्ड मतलब मैंने देखे मैंने बोला हैज ही स्विम्ड मतलब क्या वह तैर चुकी है, तो देखिए मुझे इसका रिप्लाई करना है वह तैर नहीं चुकी है, देखिए मैंने वो मैं इसका रिप्लाई करूँगा नोट में मतलब सी हैज नोट स्विम्ड मतलब वह तैर नहीं चुकी है, वह तैर नहीं चुकी है, ठीक है। अगर वह तैर चुकी है तो यहाँ पर बोल सकते हैं सी हैज स्विम्ड मतलब वह तैर चुकी है, ठीक है। इस प्रकार देखिए मैंने बोला हैज सचिन लाफ, देखिए यहाँ पर होता है देखिए मैंने बोला है लाफ मतलब क्या है, लाफ माने होता है हंसना, ठीक है। मैंने इसकी बोला लाफ की रोट क्या होती है थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। देखिए हैज सचिन लॉट, देखिए मैंने बोला यहाँ पर सचिन हैज लॉट मतलब सच, मैंने पूछा आपसे हैज सचिन लॉट मतलब क्या सचिन हंस चुका है, यहाँ पर मैंने रिप्लाई करना है सचिन हैज लॉट मतलब सचिन हंस चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन हुआ क्या सचिन हंस चुका है, तो आपने इसका रिप्लाई किया इसमें सचिन हैज नाम मतलब सचिन हंस चुका है, ठीक है। उस प्रकार देखिए हैज रामू टोट द इंग्लिश मतलब मैंने बोला रामू मतलब हैज रामू टोट द इंग्लिश मतलब क्या रामू इंग्लिश पढ़ा चुका है, देखिए टीच माने होता है पढ़ाना, यहाँ पर टोट क्या हो जाएगी देखिए टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है टोट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैज रामू टोट द इंग्लिश मतलब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या रामू अंग्रेजी पढ़ा चुका है, तो आपको उसका रिप्लाई करना है रामू हैज नॉट टोट इंग्लिश मतलब राजू इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका है, अगर आप इंग्लिश पढ़ा चुका है तो आप बोलेंगे रामू हैज टोट इंग्लिश। देखिए यहाँ पर मुझे रिप्लाई करना है, देखिए नोट में कर लेता हूँ मैं, तो रामू हैज नॉट टोट इंग्लिश मतलब रामू अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हैज सी क्लीन्ड द रूम मतलब मैंने पूछा क्या वह रूम साफ कर चुकी है, मतलब क्या वह राम रूम साफ कर चुकी है, देखिए मुझे इसका रिप्लाई करना है इसमें देखिए सी, देखिए यहाँ पर सी देखिए इसका रिप्लाई करना है इसमें, तो यहाँ पर देखिए सी एक जगह क्या रहेगा सी हैज एक्शन क्या होगा क्लीन द रूम मतलब रूम साफ करने का क्लीन्ड द रूम, ठीक है मतलब वह रूम साफ कर चुकी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया कुछ नहीं किया, देखिए अगर आपके यहाँ समझ में नहीं देखिए कैसे किया है मैंने देखिए कुछ नहीं किया है, देखिए मैंने इस फॉर्मेट को याद रखना है सिर्फ फॉर्मेट को, ठीक है। देखिए हैज ही ऑपरेटेड मोबाइल, देखिए यहाँ पर बोलेंगे ही हैज, अगर आपने मोबाइल मतलब मैंने पूछा हैज ही ऑपरेटेड मोबाइल मतलब क्या वह मोबाइल चला चुका है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोलूँगा इसका, अगर मुझे रिप्लाई करना है इसमें तो मैं बोलूँगा ही हैज ऑपरेटेड मोबाइल, इस पर क्या देखें इस पर फॉर्मेट पर क्या ही हैज
एक्शन क्या हुआ, ऑपरेटेड मोबाइल। देखिए एक्शन क्या हो रहा था, ऑपरेटेड मोबाइल मतलब मोबाइल चलाने का, ठीक है। देखिए यहाँ पर हैज रानी वॉश्ड द क्लोथ, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या रानी कपड़े धो चुकी है, मतलब देखिए वॉश माने होता है धोना, तो वॉश्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने हैज रानी वॉश्ड द क्लोथ, मतलब क्या रानी कपड़े धो चुकी है, ठीक है। मुझे इसका रिप्लाई यस में करना है, यहाँ पर देखिए जैसे मैं यस में करूँगा, देखिए रानी हैज, रानी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, मतलब रानी कपड़े धो चुकी है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए यहाँ पर रानी हैज वॉश्ड द क्लोथ, मतलब रानी कपड़े धो चुकी है, ठीक है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे हैज रानी वॉश्ड द क्लोथ, तो आपने इसका रिप्लाई किया रानी हैज वॉश्ड द क्लोथ, अगर कपड़े नहीं धो चुकी है तो बोलेंगे रानी हैज नॉट वॉश्ड द क्लोथ, मतलब रानी कपड़े धो नहीं चुकी है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए मैंने बोला था कि आपको पिछली कल के क्लास की प्रैक्टिस करवाऊंगा, देखिए कल के देखिए क्या है कल वाली क्लास का। देखिए मैंने यहाँ पर हैज लिखा है और यहाँ पर देखिए सभी पे हैज लिखा है, तो यहाँ पर आप देखिए हैव लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है क्या है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ हैव लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन ये हो जाएगी, पर वहाँ पर हम फिर प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे, मतलब आई वी यू दे, हम कौन से सब्जेक्ट यूज करेंगे, आई वी यू दे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब बहुवचन कर्ता को। यहाँ पर देखिए जैसे ही समझाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा था ही पहले, तो यहाँ पर ही हैव एक्शन थर्ड नहीं बोलेंगे गलत हो जाएगा, यहाँ पर बोलेंगे हम फिर आई या वी या यू या दे, ठीक है, इस प्रकार से समझ गए। इस प्रकार यहाँ पर देखिए हैव आया तो यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैव क्या आता है प्लूरल के साथ में ही आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम देखिए वी लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हैव आया, यहाँ पर ही निकला के गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आई यू या दे कुछ भी लिख सकते हैं, आई वी यू दे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने आपको पिछली क्लास की भी प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है, तो बहुत ही इजी क्लास थी आज की भी और कल की भी, तो हमारा डे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, कल का भी और आज का भी, यहाँ क्लास समाप्त हो चुके हैं, कल बिल्कुल बेसिक से नई क्लास चलेगी एकदम, ठीक है। तो आपको उस क्लास को जरूर देखना चाहिए, अगर आपको यह क्लास देखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।